हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जिस केस की चर्चा करने वाला हूँ वो एक ऐसा केस है कि जिस लाश की वजह से हत्या की गुत्थी सुलझी, असल में वो उस लड़की की थी ही नहीं। दरअसल कुछ ऐसा होता है कि एक घर से एक महिला गायब हो जाती है और कुछ दिनों के बाद पुलिस को एक नहर से लाश मिलती है। तो पुलिस बताती है कि ये लाश उसी महिला की है जो कुछ दिनों पहले कानपुर से गायब हुई थी। लेकिन फिर जब डीएनए की रिपोर्ट आई तब पता चला, वो भी काफ़ी दिनों के बाद, कि ये महिला की लाश उस महिला की नहीं है जिसकी अभी मौत हुई थी। और जब केस सॉल्व हो चुका था तो पुलिस के सामने एक और दुविधा खड़ी हो गई थी कि आखिर एक तो जिस महिला की उसके पास शिकायत आई थी उसकी उसे लाश मिली नहीं है, और जिस महिला की उसके पास लाश आई है उसकी शिकायत हुई नहीं है। तो आखिर ये कौन था और क्या माजरा था पूरा केस का? तो चलिए अब डिटेल से जानते हैं कि क्या माजरा था। घटना है सन 2008 कानपुर की। कानपुर में एक लव मैरिज होती है और लव मैरिज करने वाले दो पार्टनर्स होते हैं, अंजना और सुलभ। अंजना होती है फैजपुरगंज की रहने वाली और सुलभ होता है कानपुर का रहने वाला, और ये क्रॉकरी कारोबारी था। अंजना के दो बच्चे थे, अयान और नव। अयान की उम्र थी 11 साल और नव की थी 5 वर्ष जब अंजना की मौत हुई थी। शुरू में घर में नॉर्मली सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों नहीं बहुत सालों के बाद, अचानक सुलभ का व्यवहार थोड़ा अजीब होने लगता है। और जब अंजना ये सब घटना जान लेती है, स्वभाव का यूं बदलना अचानक से, तो अंजना को शक हो जाता है अपने पति पर। तो अंजना को पता चलता है कि सुलभ का चक्कर किसी किरण नाम की एक लड़की से है। अक्सर उन दोनों में इस बात का झगड़ा होता रहता था। जब घर में यूं लड़ाइयाँ होती रहती हैं तभी एक दिन अंजना बबली को कॉल करती है। अब ये बबली अंजना की बहन होती है। अब 22 दिसंबर 2021 आता है, उस दिन संजना अचानक लापता हो जाती है और इस बारे में पूरे घर में पता चलता है कि अंजना लापता हो गई। और यहाँ पर सुलभ भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा जाता है कि अंजना यानी कि उसकी वाइफ लापता हो गई, वो गुम गई, क्या पता कहाँ गई। और इसी बात से अंजना की बहन बबली पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगती है और वो कहती है कि अंजना को ढूंढ कर लाओ। यानी कि 22 दिसंबर की घटना थी और 23 दिसंबर को बबली पुलिस थाने में बहुत ज़्यादा हंगामा करती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि अक्सर अंजना और बबली की बात होती रहती थी इस सिलसिले में। तो बबली का ध्यान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो उसे शकी हो जाता है कि अंजना अब इस संसार में नहीं रही। लेकिन पुलिस उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती। पुलिस को लगता है कि कहीं चली गई होगी, तो पुलिस ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी बबली एसपी ऑफिस चली जाती है और एसपी साहब से शिकायत करती है, तब भी कुछ नहीं होता। और फिर बबली अपने गाँव से, यानी कि फैजपुरगंज की रहने वाली थी ये लड़की, तो वहीं से बहुत सारे साथियों को थाने लेकर जाती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू कर देती है। और उसी दिन यानी कि 23 दिसंबर के दिन सुलभ भी अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। 15 और 16 दिन निकल गए, तब एक दिन अचानक 7 जनवरी के दिन पनकी नहर में एक महिला की लाश मिलती है। लाश की पहचान की जाती है, लेकिन लाश को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तभी बबली कहती है कि ये उसी की बहन है, क्योंकि वो भी इतना अच्छे से नहीं पहचान पाई थी, क्योंकि उस लाश का चेहरा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और काफ़ी दिनों से पानी में पड़े रहने पर लाश बेकार हो गई थी, तो इस वजह से किसी ने अच्छे से नहीं पहचान पाया। लेकिन आर्यन, जो कि अंजना का बड़ा बेटा था, उसने पहचान लिया कि ये उसकी मम्मी की लाश नहीं है। तभी पुलिस ने उस लाश का डीएनए सैंपल लेना उचित समझा और पुलिस ने डीएनए सैंपल लिया। चूंकि अभी रिपोर्ट नहीं आई थी और उस लाश का डीएनए सैंपल लेने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तभी जब केस आगे बढ़ने लगता है और लाश मिलती है, तभी पुलिस उस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो एक कैमरे में सुलभ बोरे में कुछ भरता नज़र आता है और अपनी कार में डालकर कहीं ले जाता है। पुलिस जब उससे पूछती है कि ये क्या था, और उसे पुलिस को पता लग जाता है कि ये अंजना की ही लाश होगी,
तब पुलिस उस कार को भी देखती है। कार बहुत अच्छे से क्लीन थी, साफ थी, लेकिन पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि पुलिस समझ चुकी थी कि कार को साफ किया गया है, लेकिन उनके पास कोई भी खून के निशान नहीं दिख रहे थे उस वक्त लाश के। तो पुलिस समझ चुकी थी कि ये कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस रिमांड पर सुलभ को लेती है, क्योंकि अब हत्या हो चुकी थी तो पुलिस बहुत सख्ती से पेश आती है और सुलभ को रिमांड पर लेने के बाद सुलभ से सच उगलवा ही लेती है। सुलभ कबूल करता है कि हाँ, अंजना की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। तो पुलिस उससे पूरी घटना का विश्लेषण मांगती है, तो वो ऐसी ऐसी बातें बताता है जो आपको भी चौंका सकती हैं। सुलभ ने पुलिस को बताया कि 22 दिसंबर की रात बेटा आर्यन ने कोल्ड ड्रिंक के लिए अपनी माँ से पैसे मांगे। चूँकि अंजना ने पैसे देने से मना कर दिया और बोला कि अभी सर्दी बहुत पड़ रही है, इसलिए वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे नहीं है देने वाली। तो इसी बात से पति और पत्नी में दोनों में तीखी बहस छिड़ जाती है और इसी गुस्से में आकर सुलभ ने अंजना का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अच्छा, ये अंजना को मारने के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं थी, वजह यह थी कि सुलभ किसी और लड़की से प्रेम करता था, यानी कि प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस लड़की का नाम था किरण और इस बात का पता किरण के पिताजी को भी था कि सुलभ की कोई शादी हो चुकी, लेकिन किरण के पिताजी रिक्शा चलाते थे और बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो वो अपनी लड़की के लिए एक अच्छे पति के तौर पर सुलभ को देखने लगे थे और वो चाहते थे कि अंजना का बाद में तलाक हो जाएगा तो किरण और सुलभ रहने लगेंगे, और काफ़ी गहन संबंध हो चुके थे किरण में और सुलभ में। तो मारने के पीछे की वजह एक ये भी थी। जब अंजना की हत्या हो जाती है तो सुलभ सबसे पहले उस लाश को बोरे में भरकर किरण के कमरे पर लेकर चला जाता है और तभी वो अंजना की मौत की खबर किरण को भी दे देता है, किरण के पिताजी को भी दे देता है, वह अपने चचेरे भाई को भी दे देता है। किरण के फ्लैट में आ जाते हैं और किरण के फ्लैट में ही अंजना की लाश को ठिकाने लगाने का तरीका खोजने लगते हैं। तभी वो अंजना की लाश को किरण के फ्लैट में आग लगा देते हैं पेट्रोल डाल कर, क्योंकि लाश पूरी नहीं जल पाई थी और उससे खून भी निकलने लगा था, खून बहने लगा था और फ्लैट में बहुत ज़्यादा धुआं उठने लगा था। तभी वो अचानक से डर जाते हैं और उस लाश को लेकर वो पांडु नदी में जाकर फेंक देते हैं, लेकिन फिर उनके समझ नहीं आता कि आखिर पांडु नदी में लाश को फेंका गया था तो फिर ये लाश पनकी नहर से कैसे निकल आई। तो फिर पता चलता है कि असल में वो लाश किसी और की थी और अंजना की लाश है, चूँकि वो मिली ही नहीं और वो पांडु नदी में फेंक दी गई थी तो वो आज तक नहीं मिल पाई। लेकिन पनकी नहर में जो लाश मिली थी वो किसी और की थी और उसी लाश की वजह से ये केस यहाँ तक पहुँच पाया था। तो पुलिस के सामने एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि जो लाश हमें मिली थी वो किसी और की है और जिस लाश की ज़रूरत थी वो मिली नहीं है और जो लाश मिली है वो किसी और की है। तो पुलिस को एक केस नहीं बल्कि दो केसों का सामना करना पड़ा कि आखिर जो लाश मिली है वो किसकी है और जो नहीं मिली वो तो केस हो ही गया सॉल्व। तो अब सजा के तौर पर चारों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने इन चारों को, और फिर जो भी सजा होगी वो तो अब कोर्ट ही तय करेगा, हो सकता है कि उम्र कैद ही हो।